छतरपुर में मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। नौगांव थाना क्षेत्र में दो परिवारों के बीच पुराना विवाद चला रहा था, जिसके चलते दिनेश पाठक और श्रीपद पाठक के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके चलते इंद्रेश पाठक ने विवाद के दौरान दिनेश पाठक पर गोली चला दी। गोली चलते देख दिनेश पाठक की बहन लक्ष्मी वाजपेयी दिनेश को बचाने आगे आ गई, जिससे लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दिनेश भी घायल हो गया, जिसका इलाज नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, हम देवी जी सरा के आए थे तो माता के उसमें बैठे थे पंडाल में, तो ये विनोद का लड़का पहुंचा रानू, तो ये वहाँ पे खड़ा हो गया, तो हमारे चाचा ने कहा कि भाई हमारी उससे पहले से बुराई चल रही है, तो बोले सामने मत खड़े हो, बोले यानी खड़े हो ना हंसन लगो, सो कही गया जैसे भगो, तो इसका बाप आया तो हमारे चाचा को इसने लठ मार दिया, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये भीतर घुस गया, इसने वहाँ से फायर किया, तो हम लोग वहीं खड़े रहे। भैया ने उसने फोन ऑन लगाया तो ये उमेश पाठक, कैलाश पाठक और ये इसका बड़ा भाई यहीं रहता प्रमोद है, और ये विनोद, उसका एक लड़का कृष्णकांत है, एक का नाम रानू, और उस और रानू के साथ उसका नाम दूसरा नाम चलता है उसका और श्रीकांत भी था, और ये इंद्रजीत था और उमेश, दोनों कट्टे लेके इन्होंने हम पे फायर किए और एक फायर हमारी बहन को लग गया और ये श्रीपद साथ में था। क्या ये इनकी पुरानी रंजिश चल रही है, पुतरिया महाराज जो श्रीपद हैं इसके परिवार की और ये बगल वालों की, इनमें से लड़ाई हुई थी, इन्होंने मतलब आपस में एक दूसरे पहले लाठी मारी एक दूसरे, फिर इन्हें एक इंद्रजीत नाम के लड़के ने तो गोली मार दी हद्दी से, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है और प्रकरण की जांच की जा रही है, जो होगी कार्रवाई की। बधाई हो तोमर जी, आपके बेटे ने तो पूरे जिले के नाम। पूरा जीवन लगन से पढ़ाई की। शर्मा सर हमेशा कहते थे तुम बड़ा नाम कमाओगे, मौज मस्ती से दूर रहा। दोस्त कहते थे अंधा हो जाएगा पढ़ पढ़ के। सोचा था एक बार इंजीनियर बन गया तो माँ बाबूजी का त्याग सार्थक हो जाएगा, पर इन लोगों ने तो मेधावी छात्रों के फीस भरना ही रोक दिया। सालों का सपना एक झटके में तोड़ दिया। 26 किलो 63 रुपए हुआ बेटा तुम्हारा। मेरी प्रतिभा की कीमत 2.5 रुपये किलो लगाई गई, कैसी सोच है ये? गरीब हूँ इसलिए निष्ठुरता से भविष्य ही कुचल दिया मेरा। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। अरे सुरेंद्र फटाफट चल, लोडिंग भरवाना है। अरे देख क्या रहा है, जल्दी कर, 5 मिनट में पहुंचना है। मालिक बेटा पढ़ाई करने शहर जा रहा है, अड्डे छोड़कर तुरंत आता हूँ। चल। टंडेरा साइकिल खुद चलाए और बेटे को पढ़ने भेजे शहर। वाह रे समझदार जी, डॉक्टर बनेगा, मेधावी है मेरा बेटा। पढ़ाई का खर्चा सरकार दे रही है मेरे बेटे को। प्रदेश में भाजपा सरकार वापस आ गई है। मालिक हर प्रतिभा को विश्वास है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।